सो वेलकम बैक स्टूडेंट एंड नाउ दिस इज अवर विजय हियर और आप सभी का दोबारा से स्वागत है ये पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों बेसिकली ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो अभी काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। हालांकि अभी स्कूल स्टार्ट नहीं हुए हैं बट CBSE बोर्ड ने काफ़ी समय से बहुत सारे चेंजेस करे। तो दोस्तों ये सारी वीडियो जो बनाई जा रही है बच्चों के लिए वो सिर्फ उनके अवेयरनेस के लिए, ताकि बच्चों को सही समझ में आ सके कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से अब बहुत सारे सिनेरियोज बदल गए हैं, मतलब अब पासे पलटे जा चुके हैं। पहले जिस तरीके से पढ़ाई करी जाती थी स्टूडेंट्स को, अब वैसे नहीं पढ़ना है। तो क्लास 10th के बच्चों को इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करी जाएगी, जो भी बच्चे क्लास 10th के अंदर अपनी SST सब्जेक्ट जिन्होंने ले रखा है उन बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो है कि आपको क्या अप्रोच रहनी चाहिए, किस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सके। और बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन ये है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा टॉपिक डिलीट हो गया है, वो सारी चीज़ें नहीं पता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं हम लोग कि किस तरीके से क्लास 10th के बच्चों में चेंजेस आए हैं, मतलब सब्जेक्ट्स में चेंजेस आए हैं। ओके, सो माय नेम इज विजय और आप ही पाठशाला के चैनल को देख रहे हैं और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी जिन बच्चों को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, सो बेसिकली ये क्लास क्या कहते हैं 10th के लिए वीडियो है और SST का सब्जेक्ट है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके क्या कहते हैं यहाँ पे स्पेशली ये करिकुलम दिखा रखा है, टर्म वाइज करिकुलम ये अभी ऐड हुआ है। तो जिन बच्चों को टर्म वाइज करिकुलम के बारे में नहीं पता है, ये टर्म वाइज करिकुलम अभी नया ऐड हुआ है, तो इस पे जाके आप क्लिक करिएगा, देन फाइनली आपको पता चलेगा कि टर्म वाइज करिकुलम के अंदर जो क्या कहते हैं आपका जो SST सब्जेक्ट है वो किस तरीके से उसमें क्या बदलाव आया। तो मैथ्स में, सोशल साइंस में, SST में, साइंस में, इंग्लिश में सब में बदलाव आए हैं। तो ये वीडियो बेसिकली बच्चों के लिए, उनके लिए है जो SST पढ़ते हैं, मुझसे क्लास 10th के बच्चे उनके लिए। सो देखिएगा बेसिकली अगर आप देखें तो पहले के टाइम पीरियड में क्या होता था, जब हमारे टाइम पीरियड की मैं अगर बात बताऊं तो हमारे टाइम पीरियड के अंदर ऐसा होता था कि पूरा कंप्लीट सिलेबस आता था, कंप्लीट बुक आती थी। बट अब कोई कंप्लीट बुक नहीं आएगी, कोरोना काल के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं पढ़ाई के अंदर, अब कंप्लीट बुक नहीं आ रही है। अब क्या कर दिया है, टर्म 1 और टर्म 2 को बांट दिया गया है। अब बच्चे देखिए, बहुत से बच्चे कह रहे हैं तो हमें पहले से पता है, तो पहले से हो रखा था, लेकिन यकीन माने कि टर्म 1 में कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, टर्म 2 के अंदर कुछ चैप्टर ऐड हुए हैं, तो वो कौन से हैं वो जानना जरूरी है। क्योंकि आप पढ़ तो रहे होगे, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे, लेकिन देखिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में बहुत अंतर होता है। हार्ड वर्क वो गड्ढा खोदने वाला मजदूर भी कर रहा है जो सड़कों के साथ में, लेकिन स्मार्ट वर्क वो होता है जो कहीं ना कहीं मालिक जो उससे गड्ढा खोदवाने का काम कर रहा है और खुद काम नहीं कर रहा बट वो भी अर्निंग कर रहा है और उस गड्ढा खोदने वाले से ज्यादा अर्निंग कर रहा है। सेम ऐसा ही 10th क्लास के बच्चों के साथ है, आप स्मार्ट वर्क करिएगा जब भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मतलब आप ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, कभी रेफरेंस बुक उठा ली, कुछ भी उठा लिया, ऐसे नहीं पढ़ना है आपने, आपने एक स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना है। सो बेसिकली यू हैव 4 बुक्स इन द 10th क्लास। ठीक है, एक तो इंडियन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट, एक तो ये वाली बुक है आपकी, दूसरा कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, इसे आप जियो की बुक बोल सकते हैं। ठीक है, जियो की बुक आपके पास ये वाली है। उसके बाद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसमें राजनीति के बारे में, इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र के बारे में, ये बुक है आपके पास और सेम यही बुक आपके उसमें भी आएगी। तो कर क्या रहे हैं ये लोग, कर ये रहे हैं कि टर्म 1 के अंदर कुछ चैप्टर्स डाल दिए जो 40 मार्क्स के पेपर में आएंगे, फाइनल मार्क्स, मैं फाइनल की नहीं कह रहा, ये लगभग दिसंबर के अंदर ये एग्जाम होते हैं। तो टर्म 1 के अंदर कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स है, टर्म 1 के अंदर कुछ सिलेक्टेड चैप्टर है, जो चैप्टर टर्म 1 के अंदर आ चुके हैं वो चैप्टर टर्म 2 के अंदर नहीं आएंगे। अगेन वही 4 बुक, ये सब नंबर ऑफ पीरियड्स बता रखे हैं, कितने टाइम में इसे खत्म कर देना चाहिए, बट स्कूल नहीं खुल रहे तो बच्चों को ऑनलाइन ही क्लासेस लेनी पड़ रही है और 40 मार्क्स का पेपर होगा, 40 मार्क्स का पेपर होगा। तो आपकी सही अप्रोच ये रहनी चाहिए कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उन चैप्टर के अंदर से MCQ क्वेश्चंस निकालिए, जितने ज्यादा आप MCQ क्वेश्चंस निकाल सकते हैं उतने ज्यादा MCQ क्वेश्चंस निकालिए। बिकॉज अगर आपको लगता है कि आपको बेस्ट वीडियोस नहीं मिल रहे तो हमारे चैनल पे जाके आप वॉच आउट कर सकते हैं, चैनल के ऊपर भी हमने क्लास 10 से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड करे हुए हैं और आगे भी हम करते ही रहेंगे। अब रही टर्म 2 की बात, तो टर्म 2 के अंदर जो चैप्टर टर्म 1 के अंदर आ चुके हैं वो चैप्टर टर्म 2 के नहीं आएंगे और अगेन वो 40 मार्क्स का होगा, विच इज हेल्ड इन मार्च, जो मार्च में होगा। बट ये वाला जो कह रहे हैं दिसंबर वाला, ये मे बी शायद से घर में लिया जा सकता है, और मार्च वाला जो एग्जाम होगा वो तो आपको सेंटर पे जाके या जहां पे भी आपका सेंटर पड़ेगा वहां जाके आपको इसका एग्जाम देना होगा। तो अभी ये बताया जा रहा है, अभी हाल फिलहाल में
तो यही है, अब इन फ्यूचर कोरोना काल का तीसरा लहर आए तो शायद से पढ़ाई में कुछ चेंजेस आए, उसका कुछ कह नहीं सकते हम लोग। लेकिन इस तरीके से अब टर्म वन की अगर बात करी जाए तो टर्म वन के अंदर जैसे मैंने कहा कि आपके पास पॉलिटिक्स और हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है, पॉलिटिक्स की और इकोनॉमिक्स की, तो टर्म वन के अंदर कौन से चैप्टर आ रहे हैं? टर्म वन के अंदर पहला चैप्टर आ रहा है नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में जिन जिन कंट्रियों के अंदर नेशनलिज्म फैला था ये वाला चैप्टर आ रहा है, इसे टिक कर लीजिएगा, क्लास टेंथ के बच्चों के लिए है, इसे टिक कर लीजिएगा क्योंकि क्लास टेंथ के बच्चे अभी भी कंफ्यूज है, चैप्टर पढ़े ना पढ़े, कोई पढ़ा रहा है कोई नहीं पढ़ा रहा, बट टर्म वन के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो आपका हिस्ट्री वाला चैप्टर है उसमें से पहला ही चैप्टर टर्म वन के अंदर आएगा और हिस्ट्री का पहला चैप्टर ही आपने पढ़ना है, बाकी कोई चैप्टर आपने नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के अंदर क्या है भाई, ज्योग्राफी के अंदर हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्स, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट अगर आपका चैप्टर है उसे पढ़िए, और एक वाटर रिसोर्स है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, थर्ड चैप्टर पढ़ना है, सेकंड चैप्टर गलती से मत पढ़ लीजिएगा बिकॉज सेकंड चैप्टर आ ही नहीं रहा है, तो सेकंड चैप्टर पढ़ने का फायदा ही नहीं है। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़िए, उसके सारे कीवर्ड्स यस अंडरस्टैंड करने हैं आपने कि टाइप ऑफ रिसोर्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, लैंड रिसोर्स, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड पैटर्न समथिंग, ये सब लैंड रिसोर्स के अंदर आते हैं टॉपिक, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर आपको पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द थ्योरेटिकली एक्सेप्ट द चैप्टर वाटर रिसोर्स बी असेस्ड टू बी पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट एवेल्युएट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब कि ये जो वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर भी अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो ये अभी जो आपका पीरियोडिक टेस्ट आएगा उसमें आएगा, लेकिन जो मार्च दिसंबर के अंदर जो एग्जाम होगा उसमें भी ये चैप्टर नहीं आएगा। तो मतलब पढ़ना तो होगा आपको वाटर रिसोर्स के लिए, तो मतलब अभी जो आपके स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि बहुत से केवीज स्कूल के टेस्ट चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको वाटर रिसोर्स पढ़ना ठीक रहेगा। वाटर रिसोर्स पढ़ लीजिए आप, वो सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर फाइनल के लिए छोड़ दीजिएगा जो दिसंबर के अंदर होगा, तो वहां पे आपको काम आएगा। तो आप ये वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, और ये अभी पीरियोडिक टेस्ट अगर आपके चल रहे हैं, बहुत से केवीज के चल भी रहे पीरियोडिक टेस्ट, और उसके अलावा आप एक एग्रीकल्चर चैप्टर जो है जियो का वो करिएगा। अब देखिए जियो का एग्रीकल्चर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लास ट्वेल्थ के अंदर भी मदद करेगा। जिसके पास क्लास ट्वेल्थ के अंदर ज्योग्राफी होगी उसके लिए एग्रीकल्चर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइप ऑफ क्रॉप्स होती है, कैसा पैटर्न होता है, ये सारी चीजें। मतलब कि ज्योग्राफी वाली बुक से पहला चैप्टर आना है, तीसरा चैप्टर आना है और चौथा चैप्टर आना है, बट जो तीसरा चैप्टर होगा वो पीरियोडिक टेस्ट के अंदर आएगा, लेकिन जो मार्च दिसंबर में फाइनल दिसंबर में जो एग्जाम होंगे टर्म वन के उसमें चैप्टर नहीं आएगा। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो पहला चैप्टर आ रहा है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर आ रहा है। अपनी बुक में टिक करते रहिएगा, टिक कर लीजिएगा, टर्म वन के हिसाब से हमें ऐसे बेसिकली पढ़ना है। उसके बाद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का देख ले तो इसमें पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म दो ही चैप्टर आएंगे, और ये दोनों के दोनों पीरियोडिक वन में भी आ सकते हैं, यानी कि जो आपके मंथली टेस्ट हो रहे हैं या स्कूल के अंदर एमसीक्यू बेस्ड जो आपको क्वेश्चन पेपर भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, पेपर के भी इसके लिए जा रहे हैं और बहुत से स्टेट बोर्ड के भी एग्जाम लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये चैप्टर्स ही करने होंगे, बस आप टर्म वन के लिए चैप्टर तैयार कर लीजिए। याद रखिएगा कि क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड ही होना चाहिए, एमसीक्यू बेस्ड इसलिए क्योंकि बहुत से एमसीक्यू क्वेश्चन ही निकलेंगे इसके अंदर से, और टर्म वन जो होगा आपका दिसंबर के अंदर तो उसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करा जाएगा। इकोनॉमिक की बात करें तो डेवलपमेंट के बारे में है, और साथ में यहाँ पे क्या कहते हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक इसके बारे में बताया हुआ है, तो यानी कि आपका इकोनॉमिक वाली बुक से दो चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितने बुक हो गए भाई, टोटल कितने चैप्टर हो गए? टोटल हो गए आपके हिस्ट्री से एक चैप्टर हो गया, ठीक है, हिस्ट्री का एक चैप्टर, राइज इन द नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके बाद आपका हो गया क्या कहते हैं कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया से ज्योग्राफी हो गया तीन चैप्टर, पहला तीसरा और चौथा। उसके बाद आपका क्या कहते हैं कि टोटल चार चैप्टर हो गए, फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर से पहला और दूसरा यानी कि छह चैप्टर के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आठ चैप्टर, टोटल आठ चैप्टर है। यानी कि टर्म वन के अंदर जो आपका दिसंबर में एग्जाम आएगा उसमें आठ चैप्टर आने, लेकिन जिसमें से वाटर रिसोर्स नहीं आएगा, तो सात चैप्टर ही आप मान के चलिए ये आएगा। अब एसएससी के अंदर ऐसा भी होता है कि एसएससी के अंदर मैप भी आते हैं, तो एमसीक्यू तो आएगा ही आएगा, तो एमसीक्यू के लिए आपको तो पढ़ना बेसिकली ऐसी है कि आप एमसीक्यू उसमें से निकाल सकें, क्वेश्चन आंसर अगर आते हैं तो उसके लिए आपको मदद मिल ही जाएगी उसके अंदर से, लेकिन उसके बाद मैप का भी आता है। अब मैप ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के दे दिया जाएगा, तो टर्म वन के अंदर सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनके मैं कहता हूं कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आप स्पेशली किसी शॉप से पॉलिटिकल या वर्ल्ड मैप या क्या कहते हैं इंडियन पॉलिटिकल का मैप लेके आ जाइए और ये भर लीजिए, ये सारे भर लीजिए। जैसे कि ज्योग्राफी के अंदर मेजर सॉइल कहां कहां पे कितनी कितनी मिलती है, क्योंकि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर आपका आ रहा है ना, तो इसीलिए मेजर सॉइल वाला। उसके बाद क्योंकि ये पीरियोडिक वन के अंदर जो आना है आपका टेस्ट के अंदर, जो छोटे मोटे टेस्ट आपके स्कूल के अंदर होते हैं उसमें वाटर रिसोर्स चैप्टर आ रहा है ना, तो वाटर रिसोर्स चैप्टर के अंदर कहां कहां कौन कौन से डैम बनाए गए, तो इसमें से एक हीराकुंड डैम जो है, भाखन नालंदा डैम जो है ये बहुत फेमस है, हीराकुंड डैम बहुत फेमस है, नागार्जुन सागर, ये तुंग भांगरा, ये जो डैम है ना टिहरी डैम, ये डैम कहां पे है ये आप
को फिल करने के लिए आएगा। तो आप एक इंडियन पॉलिटिकल का मैप उठा लीजिए, इंडियन पॉलिटिकल का मैप उठा लीजिए, और पॉलिटिकल का मैप उठाने के बाद इन्हीं को भर लीजिए, अपने पास रखिएगा, और इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फाइनल के अंदर हो सके तो मे बी शायद से फाइनल के अंदर अगर पूछा जाए तो मैं अभी आपको बता दूं कि ये वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर फाइनल में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से मेजर क्रॉप्स कहाँ कहाँ उगती है, जैसे कि शुगर कैन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन, कहाँ उगाया जाता है, सिर्फ यही आएगा। मतलब टर्म वन के अंदर अगर कहीं से मैप आने की गुंजाइश है तो यहाँ पे ज्योग्राफी वाले चैप्टर से ही यहाँ से मैप आने की गुंजाइश हमें देखने को मिलती है, बाकी हमारा कहीं और से नहीं आएगा, ठीक है। आई होप आपको टर्म वन की स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, चैप्टर समझ में आए होंगे, ज्यादा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। टर्म टू का प्रिपरेशन कैसे करना होगा उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप टर्म वन की तैयारी कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लगता है कि आपको चैप्टर्स नहीं मिल रहे तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे ई पाठशाला के चैनल पे आप प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो क्लास टेंथ का ऑल सब्जेक्ट का हमने यहाँ पे स्पेशली पॉलिटिकल और हिस्ट्री के बारे में हमें बताया हुआ है। जियो के बारे में हम एक चीज इसमें और ऐड कर देंगे ताकि आप जियो का भी प्रिपेयर कर सके। तो आपके लिए क्या कहते हैं, जो टर्म वन के अंदर चैप्टर आने वाले हैं उसके लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आई होप आपको यहाँ से फायदा हो, ठीक है। और जो भी आपके भाई बंद है, अगर क्लास नाइन्थ के बारे में पढ़ना चाहते हैं जो टर्म वन के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो वो इसे भी देख सकते हैं, ओके। सो ये था आपके लिए बेसिकली समझाने के लिए कि भाई क्या कहते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, और चीज़ें समझ में आई होगी आपको भी किस तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो जब तक के लिए मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई भी दिक्कत है कमेंट करिए।